नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से रात का वक्त होता है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है। अचानक जैसे ही प्लेन लैंड करता है, उसके बाद वो क्रैश यानी कि दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में प्लेन बढ़ जाता है। इन तस्वीरों के जरिए इस हादसे की पूरी कहानी को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद घटना स्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन के कैमरे ने जो तस्वीरें कैप्चर की है, अपने आप में बेहद दुखद ये हादसा है। प्रार्थना उन लोगों के लिए जो लोग इस दुखद हादसे में जख्मी हुए हैं, अलग अलग अस्पताल में जिनको भर्ती करवाया गया है। 170 उनकी तादाद बताई जा रही है, जबकि 4 लोग अभी भी, विमान जो क्रैश हुआ है यानी कि जो दो हिस्सों में बटा है, कुछ लोग उसके भीतर है। क्या ये लोग जिंदा है, उनके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी DGP की ओर से नहीं दी गई, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि विमान के एक हिस्से को काटकर जल्द से जल्द जो अंदर 4 लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। दुबई में शाम को 4:30 बजे इस विमान ने टेक ऑफ किया था। 2675 ये जो दूरी हम आपको कोझिकोड की दिखा रहे हैं, दुबई से कोझिकोड पहुंचने में लगता है। और ये जो पूरा हादसा, ये जो बड़ा विमान हादसा हुआ है, ये दुबई से कोझिकोड पहुंचने में हुआ है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य दूरदर्शन को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें टाइम से मिलती रहे। आप हमें अपने सुझाव कमेंट कर बता सकते हैं।